नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंडअप। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। सख्ती की बात सबसे पहले करेंगे, जहां पर अपहरण कांड सामने आया था, जिसकी बात कही गई कि अपहरण किया गया लड़की का। लेकिन इस मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट सामने आया, अपहरण की कहानी ही झूठी निकली है, पूरा खेल रचा गया। दरअसल CHO अनुपमा जलतारे ने खुद इसकी साजिश रची थी और प्रेमी के साथ मिलकर अपहरण की कहानी रच डाली। अनुपमा जलतारे बिलासपुर से बरामद कर ली गई है, पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुपमा जलतारे नाम की एक CHO जो है, उसके अपहरण की बात, वो लापता हो गई थी और फिर बाद में पता चला कि बात सामने आई कि अपहरण कर लिया गया है। लेकिन पुलिस ने जब मामले में तफ्तीश की तो मामले का खुलासा कुछ इस तरीके से हुआ कि हर कोई चौंक गया। और ये कहा गया कि कैलाश कश्यप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैलाश, जानकारी दीजिए पूरे मामले को लेकर। जी, उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ अधिकारी CMHO अनुपमा जलतारे ने खुद साजिश रची थी और अपहरण की जो है अपने भाई को फोन के माध्यम से फिरौती मांगने का प्रयास की गई थी। इस पर ये सख्ती पुलिस ने लगातार भाई की रिपोर्ट पर जांच पड़ताल की और पुलिस में जांच पड़ताल अपना शुरू रखते हुए बिलासपुर में उनको अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा है और उन्होंने कबूल किया है कि अभी इस पर जो है मेरे प्रेमी के साथ मैं भाग गई और चूंकि पैसे की आवश्यकता थी तो घर में ये सब बदनामी होगी करके किडनैपर के बहाने वो ये सब साजिश रखी गई थी। तो इस मामले में कौन कौन गिरफ्तार हुआ, आगे क्या कार्रवाई हो रही है? अभी जो CHO अनुपमा जलतारे के साथ उनके प्रेमी है वो गिरफ्तार हुए हैं और इसका सख्ती पुलिस अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगी। इस पर क्या मामला है और कौन कौन जुड़े हुए हैं, इसकी खुलासा जो है पुलिस जल्द करेगी। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। दुर्ग में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर शिकंजा कसा गया, 3 पैनलों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बिहार से 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, 7 लैपटॉप, 23 मोबाइल बरामद किए गए और लाखों के लेन देन का खुलासा भी यहां पर हुआ है। ये मामला जो है गेमिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। शिकंजा कसा गया और 3 पैनल्स पर पुलिस ने कार्रवाई की है, गेमिंग ऐप से जुड़ा मामला है। 10 आरोपी बिहार से गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दुर्ग से मामला सामने आया, गेमिंग ऐप से ये मामला जुड़ा हुआ है। अब ये किस प्रकार का गेमिंग ऐप है, इसके बारे में और जानकारी निकलकर सामने आनी बाकी है। लेकिन बिहार से इस मामले में 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लैपटॉप भी पुलिस को यहाँ से मिले हैं। तो पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर ये शिकंजा के 3 पैनल बताए जा रहे हैं। अब ये किस प्रकार के पैनल हैं, कितने लोग हैं, कहाँ से ये संचालित कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, मिथिलेश हमारे संवाददाता दुर्ग से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये गेमिंग ऐप किस प्रकार का ये गेमिंग ऐप था और क्या जानकारी इस मामले में, कैसे पुलिस ने कार्रवाई की? देखिए, ये पूरा ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ तो खिलवाया जा रहा था, उसी का जो पैनल लेने के लिए वो एक शख्स जो है इस दौरान। मिथिलेश, लगता है कि आपसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मनेंद्रगढ़ में रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया, रेत से भरे 15 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए और इनमें 3 हाइवा भी बरामद किए गए हैं। जिले में 3 अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर ये 15 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं।
जांजगीर चांपा में घूस लेते पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। फार्मगढ़ से एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी को पकड़ा है। पटवारी ने नक्शे के लिए रिश्वत की मांग की थी, जमीन रजिस्ट्री के लिए नक्शे की जरूरत थी और पीड़ित ने पटवारी की एसीबी से शिकायत कर दी थी। एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर से यह शिकायत हुई थी। कल भी एक पटवारी घूस लेते गिरफ्तार किया गया। जो जमीन खरीदा था और वो जमीन खरीदने तो उसका नक्शा कटवाने के नाम से, रजिस्ट्री के नाम से, नक्शा कटवाने के नाम से पटवारी के पास गया, जो 4,000 रिश्वत की मांग किया गया। प्रार्थी जो है रिश्वत नहीं देना चाहता था तो हमारे पास में आके शिकायत किया। हमने सत्यापन कराया तो सत्यापन में उसके द्वारा 3,500 रुपया में बात तय हो गई। तो हमने ये बात सत्यापन में आई तो हमने ट्रिप आयोजित किया और ट्रिप कार्रवाई में फिर कहना चाहिए इनको रंगे हाथ हम लोगों ने 3,500 रुपये रिश्वत के, रिश्वती रकम के साथ इनको गिरफ्तार किए, पकड़े। वहीं राजनांदगांव